में भी हम लोग आगे समझेंगे कि किडनी में किस प्रकार से पूरी प्रोसीजर होती है, किस प्रकार से ब्लड में से हानिकारक तत्वों को निकाला जाता है, वो हम इसके आगे वाले टॉपिक में समझते हैं। लेकिन उससे पहले यानी किडनी में जो भी हानिकारक तत्व होते हैं वो हानिकारक तत्व मूत्र वाहिनी में से होते हुए मूत्राशय में इकट्ठा होता है और मूत्राशय में से फिर मूत्र मार्ग के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मूत्र किस प्रकार बनता है, यानी मूत्र बनने की जो क्रिया है वो किस प्रकार होती है और ये पूरी क्रिया किस अंगिका के द्वारा होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग आकृति में देख सकते हो कि वृक्क या किडनी की यहाँ पर रचना बताई गई है। तो हम लोगों ने ये देखा कि किडनी किस प्रकार से काम करती है। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है। मूत्र बनने का उद्देश्य यही है कि शरीर में से हानिक पदार्थों को छानकर बाहर निकालना है। अब फुफ्फुस में जो CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, यानी फुफ्फुस, मैंने इससे पहले रुधिर परिवहन तंत्र में आप लोगों को बताया था कि फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, यानी जो भी हानिकारक तत्व होते हैं वो किस में होते हैं, ब्लड में होते हैं। ब्लड में से ही यूरिया, यूरिक एसिड, CO2 इत्यादि होता है। तो हमारे शरीर में जब ब्लड घूमता है तब उसमें ये हानिकारक तत्व आ जाते हैं और इन हानिकारक तत्वों को बाद में उस ब्लड से अलग किया जाता है और उसके बाद किडनी से और मूत्रवाहिनी और मूत्रा से होकर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है इत्यादि, किडनी में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं, यानी वृक्क में अलग कर लिए जाते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारित निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाले रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है। अब जैसे यहाँ आकृति में आप लोग देख सकते हो, नीचे यहाँ चित्र में लिखा है एक वृक्काणु की रचना। मतलब यहाँ पर ये वृक्काणु की रचना की शुरुआत में आप लोग देख सकते हो कि एक कप जैसी रचना दिखाई देती है। आगे का भाग कैसा है, एक कप जैसा है, ठीक है, यानी इसे कहते हैं बाउमैन की थैली। और इसके पीछे के जो भाग होता है उसे ग्रीवा कहते हैं। और ये जो कप होता है वो उसके अंदर बहुत सारी नलिकाएं होती हैं और इन नलिकाओं से ये पूरी रचना घिरी होती है। इसे नेफ्रॉन भी कहते हैं। वृक्काणु को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन भी कहते हैं। तो हमारी जो किडनी होती है सेम के बीच के आकार, उसमें ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं और सारे नेफ्रॉन का काम यही है कि ब्लड में से हानिकारक तत्व उपयोगी तत्वों को अलग करना, ठीक है। तो यहाँ ये वृक्काणु की रचना हो गई। तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आगे का जो भाग है वो एकदम गोल गोल कप जैसा है, उसे कहते हैं बाउमैन की थैली कहते हैं। पीछे के भाग को ग्रीवा कहते हैं और ये पूरा भाग नलिकाओं से घिरा रहता है। जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं, तो एक बार छानते हैं तो उसमें से चाय नीचे गिर जाती है, ठीक है। फिर उसकी जो चाय पत्ती होती है